आ रही है। फरीदाबाद के एक स्कूल में 8वीं क्लास के छात्र ने खुदकुशी की कोशिश की है। सेक्टर 29 के स्कूल में पढ़ने वाले छात्र ने बाथरूम में खुद को आग लगाकर जान देने की कोशिश की। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बाथरूम में छात्र ने खुद को आग लगाई है। इस वक्त सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है इस 8वीं के छात्र को। सुधीर शर्मा हमारे संवाददाता फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, इस वक्त क्या कहा जा रहा है पुलिस की ओर से या फिर परिवार वालों की ओर से या स्कूल की ओर से, क्यों किया होगा छात्र ने इस तरह का काम और खुद को आग लगाने की कोशिश की होगी? देखिए, अभी तक जो है जो बात करें तो जो ये छात्र है जिसने आग लगाई है, इसका पिता नहीं है और इसकी माँ है जो एक ब्यूटी पार्लर चलाती है, और इस वक्त वो अपने बच्चे के साथ जो है दिल्ली में है। उनसे परिजनों से किसी से बात नहीं हो पाई है। हालांकि प्रिंसिपल का कहना है कि उन्हें सुबह प्रेयर के बाद बच्चे जब क्लासरूम में जाते हैं तो ये बच्चा बाथरूम में चला गया, और जब स्वीपर ने जो है बाथरूम में धुआं और आग लगी देखी तो उसने शोर मचाया। इसके बाद स्टाफ के लोग भाग कर गए और बच्चे को जो है अंदर से जलती हुई हालत में खींचकर बाहर लाए और उसके ऊपर कपड़े डालकर जो है उसकी आग बुझाई गई। सीसीटीवी में ये सारे दृश्य जो है दिल दहला देने वाले दृश्य कैद हो गए हैं, और हम जल्दी ही दर्शकों तक ये दृश्य भी दिखाएंगे। और इसमें खासकर प्रिंसिपल का कहना है कि इस बच्चे की दो बिल्कुल फीस जो है। सुधीर, धन्यवाद फिलहाल इस जानकारी के लिए। तो 8वीं का छात्र जिसने स्कूल में खुद को आग लगाने की कोशिश की है, और इस वक्त छात्र को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इंडिया रिपोर्टर